हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के बारे में, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। यह बुक 2006 की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। यह बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीव पर आधारित है, जिसका मानना है कि इंसान और उनके विचारों को और उनकी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अब तक की 30 मिलियन से भी ज़्यादा की कॉपियाँ बिक चुकी हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ के सीक्रेट को जानकर अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस बुक में 24 महान टीचर्स अपनी बात रखते हैं। इस बुक में उन बेहतरीन टीचर्स का सीक्रेट छुपा है। उस सीक्रेट को जीवन में लाने में चौंका देने वाली चमत्कारी कहानियाँ भी दी गई हैं। इसमें बहुत आसान रास्ते, टिप्स एंड शॉर्टकट के बारे में बताया गया है, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। जब आप सीक्रेट को जानते हो, तब आपको लगता है कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को कैसे पा सकते हैं जो आपको चाहिए। तब आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। आप उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। इस बुक में कुछ महान टीचर्स ने बेहतरीन शब्द कहे हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसफर, राइटर एंड पर्सनल कोच हैं, कहते हैं कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल सकती है, चाहे वह खुशी हो, सेहत हो या फिर दौलत हो। डॉक्टर जो विटाल, जो कि एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड राइटर हैं, कहते हैं कि आप हर चीज़ कर सकते हैं, पा सकते हैं या फिर बन सकते हैं। जॉन असराफ, जो एक इंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि आप जिस भी चीज़ को पाने के लिए चुनते हैं उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कितनी बड़ी चीज़ है। जैक कैनफील्ड, जो कि एक ऑथर, टीचर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कहते हैं कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया है कि सीक्रेट पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आकर्षण का नियम ही जीवन का महान रहस्य है। समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। जॉन असराफ कहते हैं कि आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप कोई विचार सोचते हैं, तब आप उसी विचार जैसे अन्य विचारों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि हमारे विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुँचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक, यानी आप तक लौट कर आती है। आपके दिमाग की शक्ति। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ कहते हैं कि आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदल कर अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल लें। लीसा निकोलस कहती हैं कि आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रही हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। रहस्य का सरलीकरण। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आकर्षण का नियम ही प्रकृति का नियम है। यह नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही काम करता है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं कि जब तक आप लगातार विचार करके किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं लाते हैं, तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। बॉब डायल कहते हैं कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए आप खुद से पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपकी भावनाएं एक अच्छी साधन हैं। ये भावनाएं हमें तुरंत बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। लीसा निकोलस कहती हैं कि जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल बुरी भावनाएं ही प्रवेश करती हैं, ना कि अच्छी भावनाएं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आपके सभी विचार आपकी फ्रिक्वेंसी को तय करते हैं और आपकी सभी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप बड़ी मात्रा में बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अधिक मात्रा में अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। रहस्य का प्रयोग कैसे करें? जेम्स आर्थर रे कहते हैं कि अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल को साफ करता है तो जिन तुरंत बाहर निकल आता है।
जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया, रचनात्मक प्रक्रिया आपकी हर मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती है। इसके तीन आसान कदम हैं, मांगें, यकीन करें और पाएं। पहला कदम, मांगें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। दूसरा कदम, यकीन करें। लीसा निकोलस कहती हैं कि यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज़ मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप एक ही पल में अपने सभी भावनाओं को बदल सकते हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा गाना भी हो सकता है। आपकी सभी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रिक्वेंसी भी बदल सकती है। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं, इसे विस्टन चर्चिल ने लिखा है। जेम्स आर्थर रे कहते हैं कि प्रेम का भाव सर्वोच्च फ्रिक्वेंसी है जिसे आप यूनिवर्स में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं और उसे भेजते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वही आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत नियम है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और विज्ञान में निहित है। प्रेम की इस नियम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजय बन जाते हैं, इसे चार्ल्स हानिल ने लिखा है। तीसरा कदम, पाएं। मर्सी सिमाप कहते हैं कि पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करते हैं। अभी आप अच्छा महसूस करके आप मनचाहे चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा है और जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। वज़न कम करने के लिए वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित ना करें, इसके बजाय अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वज़न की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसमें कितना समय लगता है? बॉब डायल कहते हैं कि ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी टाइम नहीं लगता। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10,00,000। डेविड अस्करमर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति को फील करने का सबसे सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफ़ी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज़ों को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने लगेंगे। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण करने लगेंगे। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती हैं। इसे प्रेंटिस मलफोन ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे। सशक्त प्रक्रियाएं। लीसा निकोलस कहती हैं कि
उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। डॉक्टर जोविटाल कहते हैं कि कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाहे चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। ली ब्रोअर कहते हैं कि अपनी मनचाहे चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने की आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं कि मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीर बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाहे चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। मर्सी सिमाफ कहती हैं कि आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपने दिमाग में बदल कर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। धन का रहस्य। हमारा दिमाग जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। इसे डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने लिखा था। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि दौलत को आकर्षित करने के लिए पैसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने की का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। प्रचुरता को आकर्षित करें। लीशा निकोलस कहती हैं कि इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। जेम्स आर्थर रे कहते हैं कि यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। पैसा पाने के लिए पैसा दें। लॉरल लेंजमीर कहते हैं कि अपने ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसा दान करें। जब आप पैसे के साथ उदार होते हैं और दूसरों को दान देते हैं समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप यूनिवर्स को यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर भी देखें। जेम्स आर्थर रे कहते हैं कि अपने विचारों के तराजू को दौलत वाले पलड़े को भारी रखें। दौलत के बारे में हमेशा सोचें। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं आती है, सफलता हमेशा भीतर से ही आती है। इसे रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।